Big story of the day. Sanjay Nirupam, long-time congressman, quitting the Congress party, he says. Congress party says it has expelled Sanjay Nirupam. But the most unusual thing is that it was most unexpected. Many people you can think of leaving the Congress party, but when you talk about Sanjay Nirupam, who has been the head and the face of the Congress party in Mumbai for many, many years, almost decades, quitting the Congress party, it is a monumental piece of news. Ye bahut badi khabar hai. Sanjay Nirupam, now former Congress leader, is with us live. Sanjay Nirupam ji, namaskar. Can you hear me? Namaskar. Yes, I can hear you. Sanjay Nirupam ji, people still cannot believe. Logo ko abhi bhi vishwas nahi ho raha hai ki aapne Congress party chhodi hai. Last minute tak, it was seen to be a threat, it was seen to be a misunderstanding. What has brought it to this situation? देखिए कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है दिल्ली से लेके मुंबई तक वो पूरी तरह से दिशाहीन हो गया है, जमीन से डिस्कनेक्ट हो गया है। जो उनके पास अच्छे योग्य मेरिटोरियस और प्रतिभाशाली मेहनती संघर्षशील नेतृत्व है राज्यों में अलग अलग जगहों पे, उसकी बहुत पूछ या मान सम्मान या इज्जत अब नहीं रह गई है। उनकी बातों की कोई सुनवाई नहीं रह गई, उनके बारे में कोई आगे क्या फ्यूचर प्लान हो सकता है, उनके लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस हो सकता है नहीं हो सकता, इस बारे में कोई चिंता करने वाला नहीं है। इसलिए धीरे धीरे मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी से कन्नी कटाने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी कुछ लोगों को, जैसे मेरे जैसे लोगों को निकाल भी रही है, कुछ लोग कांग्रेस पार्टी से खुद निकल भी रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा रह जाएगा कि 2-4-5 लोग ही कांग्रेस पार्टी में रह जाएंगे और बाकी सब धीरे धीरे निकल जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अब बहुत ज्यादा उज्जवल भविष्य दिखता नहीं है और कांग्रेस पार्टी में रहने वाले लोगों का भी इसी वजह से अब कोई भविष्य दिख रहा है या होने वाला है ऐसा लगता नहीं है। तो एक 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 पार्टी जो ठीक है, देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका जिसने निभाई थी वो पार्टी, और जिसने आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो एक आधुनिक भारत के निर्माण में जिसने अपनी बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन आज धीरे धीरे जो नेतृत्व कांग्रेस के उस पर है, कांग्रेस के शिखर पर बैठा हुआ है, वह नेतृत्व इतना आउटडेटेड हो गया है, इतना जमीन से डिस्कनेक्टेड हो गया है और इतना ज़्यादा अहंकार में है, और अहंकार भी तब जबकि पूरा गांव उजड़ गया है और उस गांव के उजड़े हुए गांव के प्रधान अहंकार और गुमान में जी रहे हैं। ऐसे अहंकार की वजह से कांग्रेस पार्टी से लोग टूट कर जा रहे हैं। तो आपने जो कहा कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, ये एक्चुअली एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज वेरी मच एक्सपेक्टेड ऑन एवरी फ्रंट इन द कांग्रेस पार्टी। और सबसे अहंकारी कौन है इनमें से, सबसे अहंकारी नेता कौन है या नेतागण कौन है? सब हैं, वैसे ही हैं, सबके सब, जो जिनका कोई अपना बेस नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, जो एक आर्म चेयर पॉलिटिशियन वाली भूमिका में हैं, जो लोग बेसिकली एक बंद कमरे में सिर्फ एक 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 आइडियोलॉजिकल और पैचारिक बात करते रहते हैं, जिनका चुनाव लड़ने और जीतने का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है, लोग पलट के मेरे बारे में भी बोलेंगे कि भाई ये भी 2 चुनाव हारे, तो मैं भी पलट के पूछता हूँ कि आप कौन से जीत गए। तो एक एक सभी हारे हुए लोग हैं, और चुनाव हारने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी मानसिकता हार जाए, आप हारी हुई मानसिकता से नहीं जी सकते, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पूरे नेतृत्व की मानसिकता हारी हुई है और पूरा नेतृत्व इस समय बहुत डरा हुआ, घबराया हुआ और उत्साह विहीन है, और जो एक ऊर्जा होनी चाहिए, जोश होनी चाहिए, वो नहीं। क्यों नहीं है सब? क्योंकि आज देश पूरा बदल गया है, देश की सोच बदल गई है, जो नया जनरेशन जो तैयार हुआ है वह बहुत तेज़ी से आगे निकलना चाहता है, वो पुराने आग्रहों से मुक्ति चाहता है, जो पुराने विचार हैं, जो पुरानी सोच है उससे वो एकदम बाहर निकल गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारी पार्टी का नेतृत्व तो उन लोगों के पास है जो उन पुराने विचारों, जो कुंद हो चुके हैं विचार, जो पूरी तरह से ठूठ बन गए हैं विचार, ऐसे विचारों के साथ जुड़ करके कांग्रेस को उभारना चाहते हैं या फिर से पुनर्जीवित करना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पुनर्जीवित होने के बजाय लगातार धीरे धीरे सिकुड़ती चली जा रही है, यह दिख रहा है, क्योंकि 2 इलेक्शन हम हार चुके हैं। आपने कांग्रेस पार्टी के अंदर 5 लॉबीज की बात कही, आपने कहा लॉबी नंबर 1 सोनिया गांधी, लॉबी नंबर 2 राहुल गांधी, लॉबी नंबर 3
प्रियंका वाड्रा, लॉबी नंबर 4 मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, और लॉबी नंबर 5 केसी वेणुगोपाल। ये केसी वेणुगोपाल किस तरह की लॉबी है, ये कौन है, इतने इंपॉर्टेंट कब से बने कांग्रेस पार्टी में? तो आपने जब उनका ही नाम लेके पूछा तो किस्सा बताऊं, टाइम है आपके पास? आप बताइए ना। जी जी, समय बहुत है। ये बहुत बड़ा एक आरोप, बहुत बड़ा आरोप भी हो सकता है। क्या हुआ कि लंबे समय तक मुझे घर पर बैठाए रहने के बाद कांग्रेस पार्टी को याद आया कि भाई संजय निरुपम नाम का भी एक हमारे पास नेता है जो मुंबई में, उसको कुछ काम देना चाहिए। तब उन्होंने संगठनात्मक चुनावों के लिए मुझे राजस्थान का प्रभारी बनाया, जिसको हम लोग कांग्रेस के लैंग्वेज में पीआरओ बोलते हैं। तो मैं पीआरओ बन गया और मैं बड़े जोश और उत्साह के साथ राजस्थान में काम करने लगा। वहाँ ऑलरेडी आप जानते हैं गहलोत जी का कैंप और एक सचिन पायलट का कैंप, उनके बीच बड़ी खींचतान थी। लेकिन बहुत मैंने एक स्मूथली वो इलेक्शन कराया और सबको सबका हक दिया, सबको उनका जो पॉलिटिकल स्पेस चाहिए पार्टी में सबको करके दिया, और एकदम से स्मूथली काम चल रहा था। तब तक अचानक किन्हीं सज्जन का फ़ोन आता है मेरे पास एक दिन, और वो दिन भी मुझे याद है क्योंकि उस दिन मुझे कोर्ट में अपियर होना था एक केस के सिलसिले में। वो मैं गिरगांव कोर्ट में गया था उस दिन। तो जब मैं गाड़ी में था तभी उनका फ़ोन आता है कि मिस्टर निरुपम, योर वर्क एज पीआरओ इज़ डन। मैंने कहा नहीं बस ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन एक हफ्ते 10 दिन का काम और है, क्योंकि जितने पीसीसी डेलीगेट्स हैं उनकी एक ज्वाइंट मीटिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद एक हम फैसला करने जा रहे हैं कि एक रेजोल्यूशन पास करके, ये एक प्रक्रिया है कांग्रेस के अंदर। तो बोले नहीं आज के आज आप रिजाइन कर दीजिए। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? बोले नहीं आज के आज आप रिजाइन कर दीजिए, वी आर गिविंग यू हरियाणा। तो मतलब हरियाणा गिविंग यू मतलब मुझे हरियाणा, मेरे को प्लेट में नहीं दे रहे, मुझे हरियाणा का प्रभारी बनाने जा रहे हैं, तो आज के आज रिजाइन कर दो। मैं तब तक कोर्ट पहुंच गया था, मैं कोर्ट में गया, जज साहब के पास अपीयर हुआ, मैं अपना साइलेंट मोड में मोबाइल रख के बैठ गया था जज साहब के सामने, और आधे घंटे बाद फिर हुआ। तब तक देखा कि इनके कई मिस्ड कॉल पड़े हुए हैं। मैंने फ़ोन किया, तुमने अभी तक किया नहीं रिजाइन? मैंने कहा बॉस मेरे कोर्ट में अपीयरेंस था, तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट ए लेटर टू मिस्टर मिस्त्री एंड आई विल डू इट एंड गेट इट डन। तो फिर मैंने फटाफट लेटर लिखा कि बॉस ऐसा ऐसा है, हमको मेरा मुझे रिलीव कर दो, और उन्होंने आधे घंटे के अंदर रिलीव किया, मैंने भेज दिया। तो मुझे हरियाणा का प्रभारी बनाने का एक प्रस्ताव था। अब वो प्रस्ताव कभी पूरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ उसकी एक लंबी कहानी है, और मैं उसको उसकी वजह से नाराज हुआ ऐसा भी नहीं, लेकिन मैं किस्सा बता रहा हूँ आपको, और उसमें आगे जाकर के आपको इस कहानी में एक बहुत अच्छा अच्छा पंच मिलेगा और जो बहुत अच्छी एक जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये सब चल रहा था, आज रात को ये अनाउंस करना है। वो आज रात आते आते वो रात कई रात निकल गई, कभी अनाउंसमेंट हुआ नहीं। और इस बीच राहुल जी की जो पदयात्रा थी वो इधर अकोला साइड पहुँच रही थी, तो हमको भी वहाँ जाना था, हम लोग भी वहाँ गए और महाराष्ट्र से वो निकल रहे थे। तब उसी दरमियान मेरे पास एक हरियाणा के एक बड़े नेता, उनके सुपुत्र का फ़ोन आया कि हमको भी उसमें शामिल होना है, संजय जी मेरा इंतजाम कर दो। मैंने कहा तुम तो बड़े पावरफुल आदमी हो, तुम डायरेक्ट बात कर सकते हो। नहीं नहीं आप कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, और लगातार मेरे कांटेक्ट में था। मैंने कहा अचानक क्यों मेरे कांटेक्ट में आ गया, क्यों मुझे इतना फॉलोअप कर रहा है? फिर हम जब पदयात्रा पे पहुंचे वहाँ पर तो मेरे साथ चिपका रहा, फिर हम जब सभा में गए तो सभा मेरा चिपका रहा, और वो लगातार मुझे पूछ बोलता रहे कि आप कर क्या रहे, क्या कर रहे, क्या कर रहे। मैंने कहा ऐसा कुछ, आप हरियाणा का इंचार्ज क्यों नहीं बनते? अब मैं उससे कुछ बात नहीं कर रहा था। आखिरकार उसने मुझे छेड़ते छेड़ते पूछा, तो मैंने कहा कि ऐसी कोई बात चल रही है, भला अगर कुछ गड़बड़ है तो बताइए। वो वेणुगोपाल, हम लोगों ने पूरा मैनेज कर रखा है, हम जो चाहते हैं वो हो जाता है। मैंने कहा क्या होता है, इसका क्या मतलब? आप डोंट वरी, मतलब हम अपने ढंग से करते हैं। मैंने कहा अच्छा साहब आप करते होंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम। उसके 3-4 दिन के बाद ये तय होता है कि भाई संजय निरुपम को नहीं बनाया जाएगा, किसी और को बनाएगा जो इस फैमिली के लिए, हरियाणा का जो पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली है कांग्रेस का, उसके लिए थोड़ा सा वो है, अनुरूप है। तो फिर मैंने उसको जाते जाते बोला था कि देखो राज्य का कौन प्रभारी होगा, राज्य का कौन प्रभारी होगा, राज्य का कौन प्रभारी होगा, ये राज्य के नेता नहीं तय करते। बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है, आ रही है। बोलिए नहीं नहीं हम लोग हमारा एक अपर, हाँ बोले राज्य का कौन प्रभारी होगा ये सेंट्रल लीडरशिप तय करती है, राज्य के नेता नहीं तय करते हैं, ये कांग्रेस की परंपरा है। नहीं नहीं हमने पूरा उनको मैनेज कर रखा, हम जो चाहते हैं वो होता है। और एक हफ्ते बाद किसी और का अनाउंसमेंट आता है और जो उनके लिए बड़ा अनुकूल थे। तो अब जिस, तो मैंने जो आज बोला है ना कि पांच लॉबी चल रही है, वो पांच लॉबी एक पॉलिटिकल ताकत एग्जर्ट करने के लिए तो काम करते हैं, उसमें लूटपाट भी हो रही है। ये लूटपाट मतलब पूरा पैसा देख तमाशा, पैसा फेंक तमाशा देख चल रहा है। अब मैं किसी का नाम नहीं ले सकता इसलिए क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है। तो ये जो भी हम कहेंगे वो अपने आप में एक बड़ा निराधार सी बात होगी। लेकिन आप कह रहे मैनेज करने की बात, जो आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं वेणुगोपाल जी को मैनेज करने की बात हुई, आप ये पैसों की लेन देन की बात कर रहे हैं क्या?
मैं वही बोल रहा हूँ कि अब वो जिस सज्जन ने मुझे बोला, उसने कहा कि उसने पहले मेरे से इन्फॉर्मेशन निकाल ली और उसके बाद ये बोला कि हम जो चाहते हैं वो करते हैं क्योंकि हमने उनको मैनेज कर रखा है, और उसके बाद जो प्रभारी बनते हैं वो, और मैं उसके बाद से लगातार आज तक प्रभारी नहीं बन पाया। मतलब उनको मेरी जरूरत नहीं थी, उनको लगा था कि याद में थोड़ा सा एक्टिव रहेगा तो फिर हमारी राजनीति के लिए एक चैलेंज हो सकता है। मेरा जो कहना है वो ये है कि सडनली जो सेंट्रल लीडरशिप है ना, वो बहुत एकदम से अपने आप को सरेंडर्ड स्थिति में रख दिया। ऐसा लगता है कि अपने आप को परोस दिया है, जो चाहिए लेके जाओ। पहले ऐसा नहीं था। यह जो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो दुबलापन है, जो वीकनेस है, वह कांग्रेस पार्टी को और भी कमजोर कर रहा है, ऐसा मुझे साफ साफ दिख रहा है। और ये लोग जो जिन्होंने सराउंड करके रखा है आपके सेंट्रल लीडरशिप को, क्यों करते हैं? मतलब उनको, उनकी रिलेशनशिप क्या है? क्या चमचागिरी की रिलेशनशिप है? इज इट अ चमचागिरी वाली रिलेशनशिप है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाए रिलेशनशिप ऑफ साइकोफेंसी, या वो वाली बात है, कुछ और है? क्योंकि ये सवाल बहुत लोग कर रहे हैं, मगर संजय निरुपम जी, कि ये कौन है, ये रूटलेस वंडर्स, अनइलेक्टेबल्स, जिन्होंने कभी कोई इलेक्शन लड़ा नहीं है, जिस, और कई लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो म्यूनिसिपल इलेक्शन या अपने हाउसिंग सोसाइटी इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे, मगर वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अपने एक तरह से उन्होंने कब्जे में रखा हुआ है। तो ये क्या सिर्फ, इज इट अ रिलेशनशिप ऑफ ओनली चमचागिरी और समथिंग मतलब else? नहीं, चमचागिरी तो है ही। चमचागिरी तो प्राइमरीली कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा गुण है, और चूंकि हम कभी चमचागिरी नहीं कर पाए, इसलिए वहां का जो एक टॉप जो वो है, जो बॉडी है, उसमें कभी हम स्थापित नहीं हो पाए, क्योंकि हमसे ये सब नहीं होता, हम थोड़े स्वाभिमानी टाइप के लोग हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके लिए सही वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, रूटलेस लोग हैं, और जिनकी लाइफ में एम्बिशन क्या है कि किसी तरह से राज्यसभा पहुँच जाया जाए, उसी की तपस्या में लगे हुए हैं, और उसी की तपस्या पूरी हो जाए उसी काम में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोग, अच्छा, बहुत सारे लोग इस समय कुछ लॉबी में ऐसे हैं जिनके पास कोई पॉलिटिकल अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, जिनका कोई पॉलिटिकल पहचान भी नहीं है, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, लेकिन अचानक चमचागिरी करके वो हाईकमान बन गए हैं। और ऐसे लोग आपको आदेश देते हैं, ऐसे लोग आपको निर्देश देते हैं, और ऐसे लोग जिनका कोई इलेक्टिव मेरिट नहीं है, जिनके पास कैसे लोग, किन लोग, केसी वेणुगोपाल को छोड़ के कौन है, कैसे लोग हैं ये किन की कैसे लोग हैं जो आप कौन लोग हैं? आप स्वाभिमानी व्यक्ति है, आपको अपना स्वाभिमान है क्योंकि आप इलेक्शन लड़ चुके हैं, मगर कौन है ये लोग? आप तो बोल सकते हैं ना खुलकर भी। नहीं, ये सब इतने छोटे लोग हैं जो अचानक एक बड़ा लबादा ओढ़ करके बड़े बन गए हैं कि इनका नाम लेना, मुझे लगता है कि मैं अपने आप को छोटा कर लूंगा, तो मुझसे नाम मत पूछिए। लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, मैं जो इशारा दे रहा हूं, उसको समझ रहा है कि ये कौन से लोग हैं, और ये सब निकम्मे लोग हैं, सिर्फ बोल बच्चन है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, और ये इंटेलेक्चुअल बातें करके, थोड़ी सी अंग्रेजी बोल बोल करके अपने एक राजनीतिक करियर को शेप कर रहे हैं। बाकी इनके पास, इनका बैकग्राउंड, इनको दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतार दो तो इनको कोई पहचानेगा नहीं, इनको मुंबई के बीटीएस स्टेशन पर पहुंचा उतार दो तो कोई पहचान, उनको गांव में कोई नहीं पहचानेगा, उनको दिल्ली में कोई नहीं पहचानेगा। ऐसे लोग आजकल हाईकमान बन गए हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जो पूरी तरह से वैचारिक तौर पर जिनका कोई कनेक्ट नहीं रह गया है। एक आपने स्वाभिमान के बारे में बात की, एक किस्सा हिमंत बिस्वा शर्मा का था, जिसमें कहा गया था कि एक कुत्ते को जिस प्लेट में बिस्किट दिए जा रहे थे, वही प्लेट उनको भी ऑफर किया गया था। ऐसी कुछ बात आपने कही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यू स्पेसिफिकली आपने कहा, और आपको मैं कोट कर रहा हूं, कि इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता। आपने कहा कि आपके बाद, आपके साथ, द काइंड ऑफ लैंग्वेज विच हैज बीन यूज्ड इज द लैंग्वेज यू कैन नॉट स्पीक इन द ओपन अबाउट। व्हाट वाज सेड टू यू? आपको क्या कहा गया था? आप रिपीट मत कीजिए वर्ड्स को, मगर क्या हुआ था आपको? जो इंसल्टिंग वाली फीलिंग हुई, वो क्यों हुई? अब मुझे नहीं लगता, ये क्या थी? इसके बारे में जितना कह सके आप बताइए। मुझे नहीं लगता कि जिन शब्दों का इस्तेमाल मैं सुबह नहीं करना चाह रहा था, उन शब्दों का इस्तेमाल अभी शाम को करूंगा, तो वो जाने दो।
लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अलग अलग लॉबी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा आचरण पेश करते हैं जो बहुत डिसगस्टिंग होता है। और मुझे लगता है कि इससे ऐसे लोगों के भरोसे पार्टी को नहीं छोड़ देना चाहिए, वरना जो ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी है सिर्फ ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी ही रह जाएगी, इसका आने वाले दिनों में कोई भविष्य नहीं रह जाएगा। मैंने बताया था कि कांग्रेस पार्टी कैसी पार्टी है, ये बिहार के चीनी मिल की तरह है। बिहार के चीनी मिल बहुत उनका अतीत बड़ा गौरवपूर्ण था, बड़ी बड़ी इमारतें थी, लेकिन आज वो पूरी तरह से खंडहर हो चुके हैं। उस खंडहर के अंदर पुरानी जंग लगी हुई मशीनें पड़ी हुई हैं और उसमें कोई प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल उसी तरह की स्थिति है। और अगर ऐसे लोगों के भरोसे कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया जाए तो ये जो सिख यूनिट है कांग्रेस पार्टी की, वो और भी सिख होती चली जाएगी और उसकी वजह से जो बचा कुचा जो एक आधार है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि दो इलेक्शन आप हार चुके हैं, तीसरा इलेक्शन भी हारने वाले हैं। पता नहीं 2029 भी, आज के दो बड़े हेडलाइन भी आप कुछ तैयारी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आज के दो बड़े हेडलाइन है कांग्रेस पार्टी को लेकर, पहला है कि संजय निरुपम का इस्तीफा या फिर संजय निरुपम का एक्सपेल किया जाना जैसे ही आप इस खबर को देखें, और दूसरी खबर है कि थोड़ी देर पहले जो मतलब खबर आई है कि रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि इस पार्टी को मेरी जरूरत है, जहां मैं जाता हूं, रॉबर्ट वाड्रा ने इंटरव्यू दिए है, हर चैनल को इंटरव्यू देने हैं कि जहां मैं जाता हूं देश की जनता कह रही है हमें रॉबर्ट वाड्रा चाहिए, और लोग कह रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा जी आपने इतनी देर क्यों कर दी, ये उनके शब्द है मेरे नहीं, व्हाई हैव यू वेटेड सो लॉन्ग, आप जहां से लड़े अमेठी से मुरादाबाद से आप रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। तो ये दोनों चीजों को एक तरह से सिंबॉलिकली देखा गया कि द एग्जिट ऑफ संजय निरुपम एंड द एंट्री ऑफ रॉबर्ट वाड्रा, आप कैसे देखते हैं इनको, क्या आपको लगता है रॉबर्ट वाड्रा दिशा दे पाएंगे कांग्रेस पार्टी को? मैंने ऑलरेडी पहले से इतने सारे लोग हैं रॉबर्ट वाड्रा जी जैसे लोग जो पार्टी को दिशाहीन करके बैठे हुए हैं, तो अगर ये आ जाएंगे तो और भी गलत दिशा में ही पार्टी जाएगी। फिर भी अब मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं और कांग्रेस पार्टी किसको मौका देती है और किसको चुनाव लड़ाती है और किसकी वजह से पार्टी का फिर से रिवाइवल होगा, ये अब कांग्रेस पार्टी को तय करना है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने पिछले 20 वर्षों में बहुत कुछ देखा है, भोगा है, और मेरा ऐसा मानना है कि अब पार्टी पूरी तरह से एकदम से बीमार हो चुकी है और इससे एकदम बहुत जिसको बोलते हैं ना क्रिटिकल डिजीज हो चुका है, और इसका अब कोई इलाज नहीं, मुझे तो कोई इलाज नहीं दिख रहा है जिस पार्टी में। आप ये पांच कैंप के बारे में कहा आपने, सोनिया गांधी कैंप, राहुल गांधी कैंप, प्रियंका वाड्रा कैंप, ये अलग अलग कैंप क्यों है, ये अलग अलग खेमे हैं क्या? क्या सबकी अपनी अपनी ग्रुप है, अपने अपने लीडर्स है, अपनी अपनी कोटरी है, हाउ डज दिस वर्क? मैं यही तो कह रहा हूं कि बाहर से दिखने में लगता है कि सब लोग एक हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सबकी अपनी अपनी कोटरी है, सबका अपना अपना एक कॉकस है, सबकी अपनी अपनी लॉबी है, और इनमें और इनके अंदर एक ऐसा भी नहीं कि सब अपने अपने काम में लगे, सब एक दूसरे को काटने में लगे हैं, एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए हैं, और उस चक्कर में कई बार जो एक चुपचाप काम करने वाले लोग हैं जिनका काम से मतलब है, बाकी किसी ग्रुपबाजी से मतलब नहीं है, ऐसे लोग कई बार शिकार हो जाते हैं, और ऐसे लोग इस वजह से बहुत लोगों में इस विषय को लेकर के एक बड़ा असंतोष है, नाराजगी है, उनके अंदर एक तरह का फ्रस्ट्रेशन है, कुंठा है, और इस कुंठा को पहचानने की जो समझ होनी चाहिए वह नेतृत्व में नहीं है, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार जमीन पर सिकुड़ती चली जा रही है। आप कह रहे पावर स्ट्रगल है इनके बीच? हाँ है ना, बिल्कुल है, वो सामने से दिखता नहीं है लेकिन एक पावर स्ट्रगल चल रहा है और आगे भी चलेगा। आप देखते नहीं है कि अगर कोई कहीं पे किसी पार्टी से ज्वाइन करता है या कुछ है, कोई पॉलिटिकल अगर कोई मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट हो और उसका रिजोल्यूशन होता है तो फटाफट ट्वीट होता है कि फला फला ने एफर्ट किया तो ये रिजोल्व हो गया, फिर पता चला फला फला ने किया तो दूसरे ने किया तो ये रिजॉल्व हो गया, तो ये एक तरह से एक दूसरे की पोजीशनिंग करवाने के लिए अपनी अपनी पोजीशनिंग करवाने का एक 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 एफर्ट चलता रहता है। वो क्या है, वो अपने आप में इंगित करता है कि एक प्रकार का पावर स्ट्रगल चल रहा है,
हाँ दिखाने के लिए एक दूसरे के साथ चलते हैं और चलना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर अंदर बहुत कुछ, बहुत सारा रॉट है अंदर। हाँ ये बात है, उत्तर प्रदेश में जब राहुल गांधी अपने बस यात्रा को लेकर आए तब अखिलेश डिड नॉट ज्वाइन, उसके बाद अलायंस भी नहीं हुई थी, फिर खबर लीक की गई कि प्रियंका वाड्रा ने अखिलेश से बात की है, प्रियंका वाड्रा ने मामला को सुलझा दिया है, राहुल गांधी इंग्लैंड चले गए, प्रियंका वाड्रा ने सब कुछ सुलझा दिया, इसी तरह की खबर तो आ रही है। तो आप कह रहे देर आर टू ग्रुप्स, देर इज अ प्रियंका वाड्रा ग्रुप एंड देर इज अ राहुल गांधी ग्रुप एंड देन देर इज अ ओल्ड टाइमर्स ग्रुप ऑफ सोनिया गांधी और भी ग्रुप, हु इज मोर पावरफुल? मैं तो आई एम टेलिंग यू देर आर फाइव ग्रुप्स, देर आर फाइव ग्रुप्स एंड दे आर वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर, दे आर वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर्स, मतलब बेसिकली एंड दे आर वर्किंग टू बेसिकली वन अपमैनशिप चल रहा है, जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में वन अपमैनशिप चल रहा है आपस में सबका, और उसमें पार्टी का बड़ा नुकसान हो रहा है। पता नहीं लीडरशिप इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, अभी तक तो नहीं किया जो मुझे दिख रहा है। कल मुझे अजीब लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी, व्हेन देयर वाज द टॉक कि नाना पटोले ने कहा वी विल टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट संजय निरुपम, तो एक तरह से थोड़ा सा सन्नाटा था रिपोर्टर्स में कि डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट संजय निरुपम, देन वन रिपोर्टर आस्क्ड अ क्वेश्चन कि विल यू गिव हिम अ वार्निंग लेटर, बोलते नहीं वन शॉट एक्शन, कुछ ऐसा कहा था नाना पटोले ने आपके बारे में, कहा वन शॉट एक्शन किया जाएगा। तो क्लियरली देर आर पीपल विद इन द कांग्रेस पार्टी हु वांटेड यू आउट। ये भी जो है, ये नहीं कि कोई वार्निंग थी, कोई सस्पेंशन था, ये भी जो लॉबीज की इंटर लॉबीज राइवलरी है ना, उसी का नतीजा है भाई। दरअसल मैंने कहा क्या, मैंने सिर्फ ये कहा कि शिवसेना के साथ कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से समझौता कर रही है, सीटों की शेयरिंग कर रही है, यह कांग्रेस पार्टी के हित के खिलाफ है। इससे मुंबई में कांग्रेस पार्टी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इसको लेकर एक रोष है, नाराजगी है। यह कांग्रेस के हित में दिया हुआ एक बयान था। दूसरा बयान ये था कि भाई बगैर पूरे MBA के सभी पार्टनर्स को ऑन बोर्ड लिए और बगैर सबके साथ सहमति बनाए शिवसेना ने MBA के कैंडिडेट के तौर पर एक खिचड़ी चोर को हमारे सामने पेश कर दिया, जो कि यहां के पूर्व सांसद के खिचड़ी चोर क्यों कहा? और उनके ऊपर आपने ये वर्ड खिचड़ी चोर या आपने क्यों कहा? आप जर्नलिस्ट रह चुके हैं, आपको पता है ये व्यंग नहीं है, ये आपने आप पर आरोप है कि आपने डेलिबरेटली ये वर्ड 50 बार 100 बार दिन में 1000 बार यूज करके दूसरों को भड़काने की कोशिश की, MBA के साथ जो रिलेशनशिप थी वो खराब करने की कोशिश की। आपने खिचड़ी चोर क्यों कह रहे थे? कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि संजय निरुपम को क्या अच्छा जरूरत थी सब जगह जाके सवाल... खिचड़ी चोर कहे। बड़ा अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब देता हूं आपको। क्या होता है, पहले खिचड़ी था, खिचड़ी स्कैम है क्या? जब कोविड था पूरे देश में तो मुंबई की महानगर पालिका ने तय किया कि यहाँ के जो माइग्रेंट लेबर्स हैं और जो झोपड़पट्टियों में और चालों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनके सामने भोजन का संकट पैदा हो गया है, तो ऐसे सभी लोगों को फ्री में भोजन दिया जाए। एक बहुत अच्छा उपक्रम था, इसका मैं मतलब इसकी तारीफ करना चाहूँगा। और तो महानगर पालिका ने कहा कि अब ये तत्काल कैसे दिया जाए, तो उनने बगैर टेंडरिंग प्रोसेस को फॉलो किए अपने पसंद के जो सप्लायर्स थे उन सप्लायर्स के जरिए उनने खिचड़ी सप्लाई करने का, इन गरीब लोगों के लिए खिचड़ी सप्लाई करने का प्रोजेक्ट बनाया। और फिर ये जो अलग अलग शिवसेना के नेता थे उन्होंने अपने अपने सप्लायरों को इस पूरे स्कीम में डाल दिया और ये डील के साथ कि भाई हमको कमीशन देना। तो कमीशन खाना कोई नई बात है देश की राजनीति में? ऐसा नहीं है, वर्षों से लोग कमीशन खाते रहे हैं। लेकिन आपका सवाल है कि मैंने खिचड़ी चोर क्यों बोला? उन्होंने ऐसे सब जो छानबीन हुई तो पाया गया कि ऐसे कई सप्लायर थे जिनसे इन लोगों के रिश्ते थे, उन सप्लायर्स को बोला गया था कि 300 ग्राम खिचड़ी देंगे लेकिन उस डिब्बे में 100 ग्राम ही खिचड़ी थी। मतलब 200 ग्राम खिचड़ी जो गरीब के नाम पे लिखी हुई थी उसकी चोरी कर ली, और जिन लोगों ने चोरी की जिन पे ये आरोप है उन लोगों से दलाली खाने वाला ये उम्मीदवार है, इसलिए मैंने कहा ये खिचड़ी चोर है।
तो खिचड़ी की दलाली करना एक आरोप है और खिचड़ी चोरी करना, गरीब के लिए मुफ्त का जो खाना था उसको चुरा लेना, 300 ग्राम के नाम पे सिर्फ 100 ग्राम खिचड़ी देना, 200 ग्राम खिचड़ी चुरा लेना, यह अपने आप में बहुत ही बड़ा अपराध है, अक्षम्य अपराध है। और इस अपराध के खिलाफ मैं अपनी आवाज बुलंद कर रहा था। और अगर 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 कांग्रेस पार्टी या शिवसेना जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हाई मोरल ग्राउंड्स लेती है और हमेशा भ्रष्टाचार के मुद्दे पे अपने आप को लोगों के सामने रखती है, तो उनको सोचना पड़ेगा कि ऐसे करप्ट, ऐसे स्कैमस्टर और ईडी के प्रोब के तहत जीने वाले खिचड़ी चोर को उम्मीदवार नहीं बनाया जाना चाहिए था। वरना वो कहें कि भ्रष्टाचार हमारे लिए मुद्दा नहीं है, मैं स्वीकार कर लूंगा फिर आपने सही निर्णय दिया, क्योंकि भ्रष्टाचार आपका मुद्दा नहीं है। तो आपने जो मैंने जो खिचड़ी चोर बोला उसके पीछे एक लॉजिक, ये इनकी एमवीए की अलायंस चलेगी क्या, ये एमवीए की अलायंस चलेगी क्या इनकी, उद्धव सेना, शरद पवार, कांग्रेस पार्टी, आपको लगता है, दूर चलेगी? आपको लगता है? लगता है? आपको क्योंकि आपने जो सिचुएशन डिस्क्राइब की है ना, ये बहुत, हाँ बोलिए, आपको लगता है कि अलायंस चल रहा है? अलायंस तो चल ही नहीं रहा है भाई, बंगाल में ऑलरेडी सब कुछ बिखर गया है। जवाब दो, अब दिल्ली में हालत ये है, दिल्ली में मुझे तो, मुझे आपको पता है मैं व्यक्तिगत तौर से मेरे क्या राय है उद्धव ठाकरे के बारे में, मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो सिचुएशन आप डिस्क्राइब करें कि ऊपर से सब कुछ ठीक लग रहा है, ये दिल्ली बॉम्बे में आके करोड़ों स्पेंड करके बड़ी बड़ी रैली करते हैं, फारूक अब्दुल्ला आते हैं, आपके नेता आते हैं, कहते हैं हम देश को हम अलग तरह की राजनीति दिखाएंगे, दिशा दिखाएंगे, मगर अंदर ही अंदर इतनी तनाव है जो आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर इतने खेमे हैं, ये तो लोगों को पता नहीं है। तो पीपल वॉन्ट टू नो इनसाइड स्टोरी, संजय जी अंदर की खबर क्या है, सिचुएशन क्या है, ये इंडिया अलायंस एमवीए के अंदर एक्चुअल सिचुएशन क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा, असलियत क्या है? देखिए बहुत ज्यादा अर्नब, बहुत ज्यादा अब इनसाइड स्टोरी रह नहीं गया, सब कुछ बाहर आ गया है भाई। शिवसेना यूनिलेटरली अपनी लिस्ट अनाउंस करती है तो मैं तो विरोध करता हूं, क्योंकि मेरी सीट उन्होंने छीन ली और पार्टी के लोगों ने जो सीट शेयरिंग में हिस्सा लेते वो बचा नहीं पाए। बाद में जो लोग सीट शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे उन लोगों ने भी विरोध किया, तो बहुत कुछ अब इनसाइड स्टोरी नहीं है, सब कुछ सामने आ चुका है। दूसरी बात, जो जितनी मीटिंगें हुई हैं, मेरे ख्याल से कल रात की भी एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में भी सांगली और भिवंडी के लिए कांग्रेस का आग्रह था, लेकिन आज मैंने सुना शाम को कि भिवंडी के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। यानी किसी प्रकार की आपस में सहमति नहीं है, एक दूसरे के जो इंटरेस्ट हैं, एक दूसरे के जो पॉलिटिकल वो हैं, पॉलिटिकल जो अपने जरूरतें हैं उसका कोई सम्मान नहीं है। और जब किसी गठबंधन में कई पार्टियों के बीच इस प्रकार का रिश्ता होता है तो वो गठबंधन समझ लीजिए कि ऑलरेडी मर चुका है, बस दिखावे के लिए कागज पे उस गठबंधन को रखा जाता है। तो अर्णब भाई मैं ये कहना चाह रहा था कि अब दूसरे चैनल के लिए टाइम हो गया है, अगर आप अनुमति दे तो मैं यहां खत्म करता हूं, फिर कभी मिलेंगे। बस एक सवाल और, एक सबसे बड़ा सवाल, ये सवाल तो आपको इसका जवाब देना ही पड़ेगा जाने से पहले। संजय जी आप तो लड़ रहे हैं और आपको कई सालों से जानता हूं, यू आर अ फाइटर, बहुत डिसएग्रीमेंट्स आपकी और मेरी हुई हैं, होंगी भी, बट यू आर अ फाइटर, आई एक्नॉलेज दैट। माय क्वेश्चन टू यू इज, संजय जी, आर यू गोइंग टू ज्वाइन बीजेपी, आर यू गोइंग टू ज्वाइन एकनाथ शिंदे, आर यू गोइंग टू ज्वाइन एनडीए, और आर यू गोइंग टू फाइट एज इंडिपेंडेंट सपोर्टेड बाय समवन? इस पर क्लैरिटी बहुत जरूरी है, व्हेन कैन वी हैव क्लैरिटी ऑन दैट? अच्छा ऐसा है कि सबसे पहले 9 तारीख से पहले का जो वक्त है ये हमारे यहाँ खरमास का महीना बोलते हैं, तो ये अच्छा पीरियड नहीं है। तो अभी आने वाले 4-5 दिनों तक तो इस प्रकार का कोई फैसला नहीं होगा। 9 के बाद जब नवरात्रा शुरू होगी, मैं खुद नवरात्रि का उपवास रखता हूँ वर्षों से, उस दरमियान हम एक फैसला करेंगे। और अभी तक सच पूछिए तो कोई फैसला नहीं किया है, जब हम फैसला करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सबके सामने आकर इसकी बहुत खुशी घोषणा करेंगे, लेकिन आज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नो डिसीजन हैज बीन टेकन एज फार एज ज्वाइनिंग एनी पार्टी इज कंसर्न। ओके, यू आर कीपिंग आवर ऑप्शंस ओपन। संजय निरुपम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।